फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, रवि सूरज, शशि जो है चांद से सुंदर, नौ किसले दल से कोमलतर, वधु तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। माँ यहाँ बोलती है कि रवि से उज्जवल और शशि से सुंदर, नौ किसले दल से कोमलतर, नौ किसला द कोमल पत्ता से सुंदर वधु जो है तुम्हारी घर आएगी उस विवाह के उत्सव के बाद। पल भर मुख में स्मित रेखा खेल गई माँ, फिर माँ ने देखा, मतलब स्मित रेखा मुस्कुराने की जो हंसी है वो दिखाई देती है, और माँ देखती है और उत्सुक होकर कहती है कि किंतु वह फिर क्या होगा उसके बाद? फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चले ना जाए वे अपने घर। यहाँ बालक कहता है कि कहीं वो नव नक्षत्र से उतर कर आएंगे, शिशु बनकर आएंगे, कहीं वो यहाँ आकर के मेरे खिलौने लेकर नहीं चले जाए वे अपने घर। चिंतित होकर बालक कहता है, किंतु फिर पूछा शिशु उसके बाद। तब तक माँ जो है उग चुकी होती है और उसकी जो हर्ष है वो टूट चुका है, और कहती है कि तब लास्ट में वो थक हार कर कहती है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मर जाऊंगी उसके बाद। या सुनकर भर आए लोचन, लोचन मतलब आँख, या सुनकर बालक आंखें जो है भर आई, किंतु पूछकर उन्हें उसी क्षण वो कौतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ उसके बाद क्या होगा? कवि को बालक ने सिखलाया, कवि जो है बालक को सिखलाती है कि सुख दुख है पल भर की माया, और अंतः का तत्व प्रश्न, मतलब सुख दुख की पल भर की माया है और मन में अनंत प्रश्न लिए बैठे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा जिसका अंत नहीं है। यहाँ पर बतलाया है कि जीवन जो है परिवर्तनशील है, कभी सुख है कभी दुख है, वो लगा हुआ है, सभी क्षण जो है एक जैसे नहीं रहते हैं। यहाँ पर भावार्थ में बतला दे रही हूँ, बालक द्वारा कवि स्वयं यह ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, बालक के द्वारा कवि जो है यहाँ पर स्वयं ज्ञान को प्राप्त कर रहा है कि सुख दुख इस संसार में पल भर के लिए आता जाता है। इस बात से कवि अपने माध्यम से वो हम सबको भी यह बताता है कि वास्तविक बात यह है कि इस जगत में, इस जगत के सारे क्रियाकलाप आदि काल से होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। बच्चों आप लोग अपने कॉपी में फिर क्या होगा उसके बाद का कम से कम दो पैराग्राफ कविता को लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को भी लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन 9 और 9 का तो प्रश्न बतलाती हूँ, 8 का प्रश्न बतलाऊंगी, और दोनों अभ्यास का मैं प्रश्न उत्तर को लिख करके आप लोगों को दे दूंगी।